हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही ये जल्दी बन जाता है, जो कि सूजी के पकौड़े, रोल्स, कटलेट्स, जो भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे और तेल को हमें गरम कर लेना है। तो जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो आधी छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा लिया है वो डाल देंगे, और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने राई लिया है। दोनों को आधे से 1 मिनट तक रोस्ट कर लें, या फिर जब तक इसमें से वो तड़कने की आवाज़ आने लगती है ना, तब तक आप इनको पका लें। तो यहाँ पे मेरा जीरा और ये राई अच्छे से हो गया है, डार्क एकदम नहीं करना है, जलाना नहीं है, बस हल्का सा इनको रोस्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने एक एकदम बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, ये डाल देंगे। तो प्याज को हमें कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है, तो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लीजिए। तो ऐसे चलाते हुए आप तो अभी यहाँ पर प्याज हो चुका है, अभी इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो फिर ये कड़वा टेस्ट आने लगेगा। तो बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, इसको मिक्स कर देंगे प्याज के साथ। तो हल्दी पाउडर के बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर थोड़ा और ले सकते हैं मिर्ची पाउडर। अब आगे की सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। तो मिर्ची पाउडर लेने के बाद यहाँ पे मैंने सब्जी मसाला लिया है, जो आप घर पे सब्जी वगैरह में डालते हैं मसाला, वो 1/2 छोटी चम्मच या फिर 1 चम्मच यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। इन सारी चीज़ों को एकदम लो फ्लेम पर ही हमें 1/2 से 1 मिनट तक पका लेना है। जब मसाले पक जाएंगे 1 मिनट तक आप इसको पका लीजिए लो फ्लेम पर। उसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे, उनको मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 1/2 कप सूजी लिया है, एकदम बारीक वाला सूजी है ये, इसको मिक्स कर लें। और इसको ऐसे ही चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे ही ऐसे थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लें, पका लें। तो चलाते हुए आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको पका लें। तो यहाँ पे इसको मुझे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अभी ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस इसको मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक भून लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है, तो पानी डालते हुए इसको चलाते रहिए। तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए पका लीजिए। इसका हमें एकदम डो बनाना है, एकदम थिक करना है कि बाद में ये बाइंड हो पाए, एकदम गीला टाइप में नहीं रहे, इतना इसको पकाइए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये ड्राई हो जाता है, 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको ड्राई होने में। तो अभी यहाँ पे ड्राई होना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अभी इसको हमें थोड़ा और ड्राई करना है, इतना ही रखेंगे तो बाद में वो गीला हो जाएगा तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं एकदम थिक हो गया, एकदम ड्राई हो गया है, पानी एकदम इसमें से सूख गया है। अभी एकदम डो बन के रेडी है, अभी बाकी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो अभी गैस का फ्लेम बंद कर दें, और यहाँ पे मैंने 1 उबला हुआ आलू लिया है, इसको मैश कर लें या फिर ग्रेट कर लें, कद्दूकस वगैरह कर लें, ये डाल देंगे इसमें। और जितना यहाँ पे हमने सूजी लिया है उसके डबल यहाँ पे पानी लेना है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी कटोरी वगैरह से कर रहे हैं, तो जिस कटोरी से आप सूजी ले रहे हैं उसके डबल यहाँ पे आप पानी लीजिए। तो यहाँ आलू के बाद यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है, इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर अभी ये ठंडा हो गया है, ठंडा जब हो जाएगा तो अभी बाकी की सब चीज़ें भी मिक्स कर देंगे, मतलब जो आलू वगैरह इसमें अच्छे से मिक्स नहीं है वो अच्छे से मिला लेंगे इसको। तो इसको किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दें, बाद में इसको हाथों से ऐसे मिक्स कर लें। तो अभी ये फ्राई करने के लिए एकदम रेडी है, अभी बाकी कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। अभी हमारा डो रेडी है यहाँ पे। तो अभी आप जिस पे बना रहे हैं, जिस सरफेस वगैरह पे, चकले वगैरह बना रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये चिपके ना, और हाथ में भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डो लिया है, इसको ऐसे पतला रोल कर लें, आप कोई भी शेप में बना सकते हैं जो शेप में आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने पतले से रोल कर लिया, और नाइफ़ पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको पतला पतला कट कर लेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा मोटा भी नहीं है, इतना रखिए कि फ्राई करने के बाद कच्चे जैसा नहीं लगे, इतना मोटा मत रखिए इसको। ऐसे थोड़ा सा और रोल कर लेंगे कट करने के बाद, इसको एक शेप देंगे अच्छा सा, मतलब ऐसे अनइवन टाइप में नहीं रखना है। तो इसी तरह से सारे रोल्स ऐसे रेडी कर लेंगे, ऐसे हाथों से ही रोल करते जाइए, पतला हो जाएगा। और हल्का सा साइड से एकदम प्रेस कर दीजिए, बस एक जैसा थोड़ा सा हो जाएगा ये। और आप इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, प्याज जब हमने फ्राई किया, जब प्याज फ्राई हो गया उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें।
यहाँ पे मैंने आधा रोल्स बना लिया है, अभी आधा बाकी है बनाना। तो अगर आपको ऐसे कट करके नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा एकदम पेड़े के साइज जितना आप ले लीजिए डो जो हमने बना के रखा है, उसको हाथे से ऐसा लंबा कर लीजिए, पतला कर लीजिए रोल, और बाद में उसको साइड से आप प्रेस कर लीजिए। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे एक एक करके जाएंगे बनाना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। या फिर आप ऐसे आलू के वड़े जैसे बनाते हैं, या फिर साबुदाना वगैरह के जो हम पकोड़े वड़े बनाते हैं उस शेप में भी आप इसको बना सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे रोल्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे रोल्स बना लिए हैं सूजी के, अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। तो जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हमें इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो जब एकदम तेल हमारा यहाँ पे गरम हो जाएगा तो जितना बड़ा आपका कढ़ाई वगैरह है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ये रोल्स डाल दीजिए, और हाई फ्लेम पे ही पकाना है। अगर लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो ये पूरा फट जाएगा, ये नहीं पकेगा, क्योंकि मैं ये पहले ट्राई कर चुकी हूँ लो फ्लेम पे पकाकर, ये नहीं बना था बिल्कुल भी, एकदम पूरा फट गया था। इसलिए आप इसको जब कढ़ाई में डाल रहे रोल्स वगैरह को तो गैस का फ्लेम जो है वो एकदम हाई पे रखिए। बाद में जब एक साइड से ब्राउन हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो रख दीजिए। स्टार्टिंग में आप गैस का फ्लेम हाई करके ही फ्राई कीजिए, नहीं तो ये पूरा जो रोल्स है वो फट जाएगा। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे ही एक साइड से पका लेंगे ऐसे चलाते हुए, बाद में जब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो दूसरे साइड से भी पका लेंगे गैस का फ्लेम लो करके। लो टू हाई पे ऐसे करते रहिए, इसको फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे इसका आप कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है, ब्राउन कलर हो गया है। अभी इसको कढ़ाई से निकालेंगे और इसी तरह से सारे रोल्स को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाकी के भी रोल्स फ्राई कर लिए हैं, बाकी के मतलब आधे मैंने फ्राई किए, अभी बाकी नहीं फ्राई किए हैं। तो यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, ब्राउन कलर एकदम अच्छे से हो गया है, अंदर से एकदम कच्चा नहीं है, ये अच्छे से पक गया है, और बाहर से भी एकदम क्रिस्पी टाइप में ये बना है। ऊपर से आप चाट मसाला, थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर वगैरह स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये झटपट से बनने वाले क्रिस्पी रोल्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए।